वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइमस्टोन। आज हम देखेंगे लाइमस्टोन का पेट्रोग्राफी के ऊपर। ओके, तो जब भी हम पेट्रोग्राफी देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में जब भी हम बात करते हैं लाइमस्टोन का, तो आपको हार्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉम्पैक्ट रहेगा, मासिव रहेगा, हैवी रहेगा विथ वेरिएबल कलर। कलर में वेरिएशन थोड़ा बहुत आएगा। ठीक है, लाइट कलर मतलब मैक्सिमम केस में आपको लाइट कलर ही थोड़ा देखने को मिलता है लाइमस्टोन, बट कलर में वेरिएबल आने वाला है। ठीक है, टाइम के साथ। तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने क्या क्या देखा, हार्ड रहेगा, कॉम्पैक्ट रहेगा, मासिव रहेगा, हैवी रहेगा, कलर में वेरिएशन आएगा। अब उसका जब बात करते हैं टेक्सचर का, तो यहाँ पर ये इसका टेक्सचर हम स्टडी नहीं कर सकते। क्यों स्टडी नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो लाइमस्टोन है ये मैकेनिकली नहीं बनता, मीन्स सेडिमेंट्स का द्वारा नहीं बनता। मीन्स जो भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक का वेदरिंग और इरोजन होने के बाद जो सेडिमेंट्स बनता है, सेडिमेंट्स फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद कहीं ना कहीं वो लोअर एलिवेशन में आकर डिपॉजिट होता है वाटर के प्रेजेंस में। तो उस टाइप में ये रॉक नहीं बनता। ये रॉक किस टाइप में बनता है? ये केमिकली बनता है, मीन्स प्रेसिपिटेशन से बनता है। इसीलिए उसका जो टेक्सचर है यहाँ पर स्टडी नहीं किया जा सकता। ठीक है, बट जब बात करते हैं सीमेंटिंग मटेरियल का, तो यहाँ पर सीमेंटिंग मटेरियल आपको मैक्सिमम केसेस में आपको देखने को मिले लाइमस्टोन में, कैलकारियस। ओके, और मैट्रिक्स का जब बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा फाइन ग्रेन रहता है, केमिकल प्रेसिपिटेशन की वजह से बनता है। ठीक है, सोल्यूशन के रूप में रहता है वाटर में और टाइम के साथ वो प्रेसिपिटेट होने के बाद बनता है। तो इसीलिए इसका जो मैट्रिक्स रहेगा वो आर्जिला सीएस रहेगा। ओके, और टाइप में क्या रहेगा, किस टाइप में रहेगा? नॉन क्लास्टिक। बट इन केस ऑफ क्लास्टिक रॉक्स तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम बोले थे रुडाशियस हो सकता है, आरेनाशियस, आर्जिलाशियस। बट जब बात करते हैं नॉन क्लास्टिक का, तो मीन्स यहाँ पर ये केमिकली बन रहा है, तो इसलिए इसका जो टाइप्स में भी जो आएगा ये नॉन क्लास्टिक टाइप में आएगा। और इसका मिनरल कंपोजिशन का अगर बात करते हैं, तो आपको किस किस टाइप के मिनरल देखने को मिलेंगे, इसमें आपको कैल्साइट देखने को मिल सकता है, डोलोमाइट भी देखने को मिल सकता है। अब कैल्साइट डोलोमाइट कैसे देखने को मिलेगा, कैसे हम स्टडी करेंगे? जब भी कोई भी आपको लाइमस्टोन मिलता है तो उसके ऊपर अगर डाइल्यूट HCl आप डाल देते हो, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं वो रिएक्ट होने के जैसा दिखेगा, बबल्स क्रिएट होंगे। जैसे ये लाइमस्टोन है, इसके ऊपर अगर आप डायल्यूट HCl डालते हो थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर आपको बबल क्रिएट होने को देखने को मिलेगा। मीन्स यहाँ पर बबल क्रिएट होगा, जैसे आप यहाँ पर समझ लीजिए रॉक है, यहाँ पर आपने डायल्यूट HCl डाल दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, बबल आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिखेगा। ठीक है, अगर बबल दिखता है तो ऑब्वियसली आप मतलब श्योर हो जाना कि ये लाइमस्टोन है। और इसमें आपको मतलब मैक्सिमम टाइम जो भी आपको केमिकल कंपोजिशन या फिर मिनरल कंपोजिशन में देखने को मिलेगा, कैल्साइट देखने को मिलेगा, अगेन डोलोमाइट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट लाइमस्टोन। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए। बट ये जो लाइमस्टोन है वो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये नॉन क्लास्टिक है। नॉन क्लास्टिक मीन्स ये मैकेनिकल वे में नहीं बन रहा है, ये केमिकली प्रेसिपिटेशन होने के बाद बन रहा है। तो कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिए।